अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, एज यू नो कि समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। समर वेकेशन में हमने आपको ये छुट्टियों का काम दिया था, एक तो ये बुकलेट आपको मिली थी और ये एक दूसरी बुकलेट मिली थी। आज हम आपको इसकी डिटेल बताते हैं कि आपने वर्क कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है इसमें जो रीडर आपने ये देखा है, ये लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, ये रीडर जो है वो आपने पेज 20-39 रीडिंग भी बच्चों को करवानी है, और इसमें इन केस अगर राइटिंग का कोई पेज आ जाता है, क्योंकि रीडर में इतने राइटिंग के पेज नहीं है, तो आपने उसमें राइटिंग भी करवानी है। बाकी आपके पास जो एक्टिविटी बुक है उसके पेज नंबर 40-83 आपने रीडिंग भी करवानी है और राइटिंग, इस पर राइटिंग ज्यादा है, एक्टिविटी बुक पर राइटिंग ज्यादा है, इस पर आपने बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, ताकि बच्चे जब आए तो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो कंप्लीट हो चुकी हो। देन स्मॉल लेटर्स A to O जो है ये आपने कॉपी पे करवाना है, कॉपी मीन नोटबुक, नोटबुक जो है इंग्लिश नोटबुक, ये आपने समर वेकेशन ऐसे स्टार्ट करना है। ये देखिए, आप टैग बनाएंगे समर वेकेशन का, उसके बाद उस पर आप ये सारी राइटिंग करेंगे, उसके बाद ये देखिए लेटर ए का आप एक पेज बनाएंगे, ये आप पिक्स भी लगा सकते हैं, अगर आप ड्रा नहीं कर सकते तो इस पर आप पिक्स भी लगा सकते हैं। ट्रेस एंड कलर, इस पर आपने बच्चों से कलर करवाना है, उसके बाद जो है आपने राइटिंग के लिए उन्हें ऐसे एक पेज बना के देना है, ऐसे ही हर लेटर का एक पेज बनेगा और राइटिंग के लिए पेज बनेगा। ठीक है, ये देखें, ये हमने कुछ पेजेस आपको एज अ सैंपल आपको दिखा रहे हैं कि ये पेज हमने, एक पेज हमने बनाया है ट्रेस एंड कलर का और एक राइटिंग का। ये सारे पेजेस आपने इंग्लिश ए टू ओ तक बच्चों को ऐसे ही आपने डेली प्रैक्टिस करवानी है। अगर आपने कलर द लेटर्स या मैचिंग सेम मैचिंग करवानी है या जो है इन ऑर्डर आपने करवाना है, तो वो इस तरह करवाएंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद आप मैथ पर आ जाएं। मैथ के भी ये जो रीडर के पेज हैं, इन पर भी आप बच्चों को नंबर्स की पहचान करवाएंगे, तो इस पर रीडिंग ज्यादा है, इस पर भी राइटिंग के जो है कम पेज है, लेकिन जो भी पेज अगर आपके पास राइटिंग के लिए आता है वो आपने राइटिंग भी करवानी है। एक्टिविटी पेज जो है, एक्टिविटी बुक जो है पेज नंबर 39-58, इसमें आपको राइटिंग के लिए ज्यादा पेज मिलेंगे, इसमें भी आपने नंबर्स की पहचान करवानी है बच्चों को। और फिर आ जाएगा काउंटिंग 1-10, तो ये आपने नोटबुक पर लिखने हैं। काउंटिंग 1-10 जो है उसके पेज भी आप इस तरह ही बनाएंगे। ये देखें, आप समर वेकेशन का फर्स्ट पेज बनेगा, उसके बाद अगर आप ट्रेसिंग की लाइंस, स्लांट लाइंस या आप उनको जिगजैग लाइंस सिखाना चाहते हैं तो आप ट्रेसिंग लाइन से स्टार्ट कर लें, उसके बाद 1 से ऐसे ही पेज बनेगा, एक पेज एक्टिविटी का हो जाएगा और एक पेज जो है उनका राइटिंग का हो जाएगा, यानी 1 बलून्स हैं, आप इधर भी पिक भी यूज कर सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नंबर 2 है, नंबर 2 का भी ये हमने पेज बनाया हुआ है और नंबर 2 राइटिंग के लिए, उसके बाद नंबर 3 है, नंबर 3 ये एक्टिविटी पेज है, ये राइटिंग पेज है। आपने कॉपीज पर सेम जो है ऐसा काम करवाना है। नंबर 4 है तो 4 राइटिंग के लिए, उसके बाद जो मैंने आपको कहा था कि मैचिंग भी आप करवा सकते हैं, यानी एक्टिविटी में कुछ भी, उसके बाद इन ऑर्डर आपने करवाना है तो वो आप इस तरह करवाएंगे, इस तरह भी राइट कर सकते हैं या ऊपर भी बच्चे को राइटिंग के लिए पेज उसको ज्यादा मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ये मैथ की प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद उर्दू, उर्दू के भी कायदा जो है उसमें भी पेज लिखने के लिए कम है और पढ़ने के लिए ज्यादा है। उर्दू में भी आपने बच्चों को पहचान करवानी है अलिफ़बे की, पेज नंबर 26-49। ठीक है, ये आपने लिखने भी हैं और पढ़ने भी हैं, इसमें पढ़ने की प्रैक्टिस ज्यादा करवाइएगा। फिर उसके बाद आ जाती है अमली किताब, अमली किताब में आपने ये पेज 42-38 बच्चों को लिखवानी है, इसमें राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा है, आपने उनको राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है 42-38। और जो बड़ी अशकाल अलिफ ता ज़ाल है ये आपने नोटबुक पर करवानी है, नोटबुक भी सेम ये वाली नोटबुक आप यूज करेंगे स्कूल की, उसमें भी आप ये देखें अलिफा हमने एक सरगर्मी का पेज बनाया है और एक हमने राइटिंग का पेज बनाया है, ऐसे ही अली मद्दा का हमने सरगर्मी का पेज बनाया है और हमने राइटिंग का पेज बनाया है। फिर बे आ गया है, तो बे भी हमने
राइटिंग में यूज किया है, ठीक है, ये एक्टिविटी है और ये राइटिंग है। उसके बाद आपने इनको दोहराई करवानी है। जब तक आप इनको दोहराई नहीं करवाएंगे उनको पहचान नहीं होगी कि अलिफ के बाद अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा के बाद बे आएगा। तो काइंडली आप इस तरह ही उनकी मैचिंग के पेज भी बना दीजिएगा और आप इस पे भी पिक यूज कर सकते हैं अगर आपको इनकेस ड्राइंग नहीं आती तो। फिर ये आपने चीजों के साथ उनको तस्वीर के साथ आपने मैच करवाना है बच्चों को। इसी तरह ये सारी कॉपीज जो है आगे टॉपिक वाइज जाती जाएगी जैसे जैसे टॉपिक आएंगे। जी पेरेंट्स, आपको ये जो हमने एक्टिविटी प्री नर्सरी की बुक दी है समर वेकेशन के लिए, तो ये वीक में डिवाइडेड है। हमने आपको बताया था, ये देखिए वीक नंबर वन, वीक नंबर वन में आपने बच्चों को ये सारी एक्टिविटीज करवानी है। आपने खुद बच्चों को ये प्रैक्टिस करवानी है कि इस तरह जो है खाने की जो एक्टिविटी होती है घर में, ये देखिए उन्होंने बताया कि डे वन में आपने कितने मिनट्स जो है पढ़ाई को देनी है और कितने मिनट्स आपने एक्सरसाइज को देनी है। बाकी यहाँ पे फिर आपकी मर्जी है कि आप बच्चों का मील ट्रैकर बनाते हैं कि नहीं, ठीक है, लेकिन बनाने की कोशिश करें, बच्चों को प्रैक्टिस होगी। उसके बाद जो है वीक वन का ये वर्क स्टार्ट हो गया है। इसको हमने डिवाइड किया हुआ है मैथ में भी, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, ये देखें, और ड्राइंग में भी, ठीक है। ये सारे पेजेस वन बाय वन आते जाएंगे। अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने एक दिन में बच्चे को दो पेज करवाने हैं या तीन पेज करवाने हैं, ठीक है, ये आप पर डिपेंडिंग है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक वीक वन जा रहा है, तो वीक वन में आपने खुद डिवाइड करने हैं पेजेस कि आपने कितने पेज डेली के बच्चों को करवाने हैं। इसमें सारी एक्टिविटीज भी हैं और राइटिंग भी है। तो वीक वन जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद ये वीक टू आ गया है। तो वीक टू में भी आपने बच्चों को बताना है कि उन्होंने स्टडी को कितना टाइम देना है डे वन में और कितना टाइम उन्होंने अपनी मजीद एक्टिविटी को देना है। इसमें भी हमने ये देखिए डिवाइड किया हुआ है ये सारा, इसमें मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, जीके है और ये सारी बच्चों की प्रैक्टिस है। तो ये सारी बुक जो है वो वीक पर डिवाइडेड है, तो आपने उनको वीक वाइज खुद ही करवाना है कि वीक एक डे में आपने दो पेजेस करवाने हैं या तीन करवाने हैं, ये आप पे डिपेंडेड। थैंक यू सो मच।